एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो किचन से शुरू हो रहा है। आज मैं ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, एक स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल सब्सक्राइबर की तरफ से रिक्वेस्टेड वीडियो है। उनने बोला था कि आप अपने घर के लिए क्या क्या सामान लेके आते हो, तो वो जरूर बताना, उस पर एक ब्लॉग जरूर बनाना। तो जैसे वो कमेंट आया था ना, उस टाइम पे मेरे उसके बाद सामान आया है, तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ ये अभी आपके साथ शेयर कर दूं, यदि आपको ये देखना है। तो इस बार क्या है कि जैसा कि सभी को पता है कि हम लोगों का ट्रांसफर हो गया है, हम लोगों को अब यहाँ से जाना है। तो इस महीने थोड़े कम सामान आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वाली चीज़ें नहीं लेके आएंगे। जो यूजफुल है, जो यूज के हैं, वही लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर के भी लेके जाने का मतलब नहीं बनता है। तो जो जो सामान आया, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। और हम लोग के पास यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत कम टाइम है, और हम लोगों को यहाँ से अब जाना है। और आते के साथ सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है कश्मीर से आने के बाद, वो ये सर्फ जितना था पहले घर का सब खत्म हो गया है, और ये सब भी खत्म होने वाला है। ये आंसू अंशू की चीजें है, जो कि महीने में एक बार आती आती है। यदि आंसू अंशू गए तो उनको कुछ ना कुछ टैक्स चाहिए होता है। और ये दो पैकेट बच्चों के लिए, मैं ये सब चीजें ज्यादा नहीं लाती हूँ, हर महीने दो ही आते हैं। इसके बीच में यदि कभी ऐसा कुछ सिचुएशन पड़ जाता है तो आ जाता है, इसलिए क्योंकि जब तक ये घर में रहता है तो बच्चों की फरमाइश चलती रहती है कि बना लो। अब तो बनाने का भी नहीं, वासुन से खुद बना लेते हैं, तो मम्मा बना लो। तो जितना ये सब चीजें कम रहेंगी घर में, उतना ज्यादा अच्छा है। और हमारे यहाँ ज्यादा आता ही नहीं है, और ज्यादा बनता भी नहीं है। ये है नमक, तो ये पिंक सॉल्ट है, और नॉर्मल वाला भी कभी ले आती हूँ, कभी ये नहीं मिलता तो वो भी ले आती हूँ, बट अब कोशिश करती हूँ कि यही लाऊं। तो ये टाटा का ही है, हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये ज़्यादा हेल्दी होता है उससे। ये टोमेटो केचप का है, 850 ग्राम वाला पाउच। बॉटल नहीं लाती हूँ क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, कम से कम 15 से 20 रुपये इस पैकेट में बच जाता है। तो मैं सामान लेते समय सबसे पहले यही ध्यान रखती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज लिया जाए जिसमें 5-10 रुपया 20 रुपया हमारा सेव हो सके, ठीक है? तो बड़ी बात है, बॉटल से भी सॉस खाना है और पैकेट से भी सॉस ही खाना है। और उसमें मतलब अच्छा भी लगता है, गीला गीला सा रहता है, और वो ना टूटने का, मेरे यहाँ बॉटल टूट चुका है, तो ये सेफ एंड साइड रहता है, सही रहता है। ये है गुड़, जो कि हमारे यहाँ सालों भर आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गुड़ सबको खाना बहुत पसंद है, बहुत सारी चीजों में ये यूज होता है। अभी मैं इसको यूज करने वाली हूँ, चलो निकाल लेते हैं। और ये है मैदा, तो हमारे यहाँ हर महीने 1/2 kg मैदा, 1 kg सूजी, 1/2 kg बेसन, बेसन सूजी मैदा, हाँ ये तीनों चीज आना ही आना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा कुकिंग चैनल है, तो उसके लिए सारी चीजें मुझे एडवांस में रखनी होती है, चाहे वो यूज करूँ चाहे नहीं करूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर कोशिश करती हूँ कि यदि ये चीज आ गई है तो इसको 1 महीने से ज्यादा नहीं स्टोर करूँ, यदि रखी है तो उसका जल्दी से मैं कुछ ना कुछ बना लूँ। तो जो चीजें खराब होने वाली होती है वो नहीं खराब होने वाली रहती है, तो ये सब चीजें मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी कुछ बनाती हूँ, चाहे जबरदस्ती की चीजें यूज करती हूँ। तो ये है पोहा, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खाया जाता है, पूरे महीने में 1.5 से 2 kg तक पोहा आ जाता है। ये 1 kg का पैकेट है, इस बार एक ही लेके आए, पिछली बार में 1.5 लेके आई हूँ। इसके बहुत सारे पोहा तो हर सप्ताह बनता ही बनता है, उसके बावजूद दही पोहा और दही चूड़ा हम लोग खा लेते हैं, कटलेट बन जाता है, तो बहुत सारी चीजें इसकी बन जाती है जो कि हेल्दी रहता है, तेल बिना तेल मसाला वाला। और इस बार मैंने मंगाया धनिया पाउडर, क्योंकि जो धनिया पाउडर था जो मैं चक्की से पिसवा के रखती हूँ, तो वो खत्म हो गया है। मैं पूरे साल के 2 से 3 kg धनिया पाउडर पिसवा के रख देती हूँ, और घर में मैं मसाला बनाती हूँ, तो घर में जितने गर्म मसाले होते हैं उसको मिक्स करके मैं मिक्स मसाला घर पे बनाती हूँ, और उसका वीडियो भी मैंने, आप बोलोगे तो शेयर कर दूंगी। उससे क्या होता है ना, ये मसाला थोड़ा सा बचा मुझे इस महीने बनाना है, ये देखो, तो ये मिक्स मसाला है, इसका कुछ नहीं करना है, कोई भी सब्जी में बस 1 चम्मच डालती हूँ और वो सब्जी तैयार हो जाता है। अलग से धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर नहीं करना पड़ता है, ऑल इन वन मसाला ये मैं तैयार करती हूँ। तो इसके लिए मैंने धनिया पाउडर मंगाई हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास 200 ग्राम और है। और ये कितने का पैकेट है, कितना ग्राम है, तो 200 ग्राम है ना, हाँ ये 200 ग्राम, तो 400 ग्राम धनिया पाउडर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर बाकी मसाले मिक्स करके बना के मैं बड़े डब्बे में भर के रख लूंगी, इसलिए मैंने मंगाया है। और उसी मसाले में डालने के लिए ये सारी चीजें हैं, काली मिर्च है, जीरा है, इससे काफी आसान हो जाता है कुकिंग। और ये इसके साथ लिक्विड मिला है, एरियल के साथ, ये पाउडर के साथ इस बार ये फ्री आया है, पता नहीं कैसे। बाकी सारी चीजें हैं, बच्चों का शैम्पू है,
इनो का पैकेट है जो कि हमारे कुकिंग वीडियो में लगता है। बिस्किट है। दाल का बताऊं तो दाल मेरे यहाँ एक तरह के नहीं, कई तरह के मैं मंगाती हूँ, कम कम क्वांटिटी, मतलब आधा आधा केजी के पैकेट सभी तरह के दालें लाती हूँ और सभी तरह के दालें बनती भी हैं, रोज रिपीट नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ भी ये वाली दाल रखी थी तो मैंने ये नहीं मंगाई है, जिसमें तुअर की दाल और अरहर की दाल जिसे बोलते हैं वो, और ये लाल वाली मसूर की दाल, इसको मैं मिक्स करके रखती हूँ। एक केजी तुअर की दाल में आधा केजी मसूर की दाल को मिक्स करके रख देती हूँ। ये बनती है मतलब सप्ते में 2 से 3 दिन ये बन जाती है। तो बीच बीच में फिर जैसे ये हरी मूंग की दाल है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत लाइट होता है और हींग जीरे का तड़का लगा तो बहुत टेस्टी बनता है, तो ये होती है। और जैसे दालों में मैं बताऊँ तो इन सबको भरना है डब्बे में, तो ये थोड़ी सी रखी है इसे मैं डालूंगी। और ये मोठ है, यहाँ पे मोठ बोला जाता है हमारे साइड, पता नहीं क्या बोला जाता है, ये उड़द की दाल है, ये मोठ है। तो दालें मैं सभी तरह की ला के रखती हूँ। और अब मिक्स वाला खत्म है, ये टूटी हुई उड़द की दाल है और मिक्स वाला इस बार मैंने नहीं मंगाया। बाकी ये राजमा है, चने की दाल है, धुली हुई मूंग की दाल है। तो दाल कम से कम 6-7 तरह की हमारे यहाँ रहती है और मैं चेंज कर करके बनाती हूँ, इसलिए रखना जरूरी है। चीनी हम लोग सबसे ज्यादा कम यूज करते हैं, चाय में ही थोड़ी सी यूज होती है, चीनी से ज्यादा हम लोग गुड़ खाते हैं कोई भी चीजों में, खीर वगैरह भी ज्यादातर गुड़ में ही बना लेते हैं। ये बिस्किट है और ये साबुन, ये खोपरा नारियल है, सूखा नारियल जिसे बोलते हैं, ये लौंग है। गरम मसाले जो जो खत्म होते रहते हैं वो मैं लाती हूँ और इस तरह के छोटे वाले मसाले पानी में भर के रख देती हूँ। ये पुराना मसाला लानी है तो इसमें सब तरह के गरम मसाले होते हैं। ये दालचीनी है, ये दालचीनी है, ये जावित्री थी, यहाँ पे लौंग खत्म हो रहा है इसके लिए मैं लौंग मंगाई, और ये इलायची है, ये बड़ी इलायची है। इस तरह से सारे जो गरम मसाले होते हैं उसको मैं इस तरह भर के रखती हूँ। इसको साफ करूँगी, अभी सामान आ गया ना तो सारे डब्बा को थोड़ा थोड़ा साफ करूंगी और उसके बाद फिर सारे सामान को रखूंगी। और यहाँ पे है चावल, तो चावल हम लोग 10 केजी लाते हैं बट अभी ये 5 केजी है, क्योंकि जो चावल हम लोग लेके आते थे वो चावल इस बार मिली नहीं है, तो इसलिए 5 केजी लाए हैं कि पता नहीं खा के देखते हैं कैसा है नहीं है, उसके बाद लेके आएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, बिरयानी राइस वगैरह, मोटा वाला चावल, खीर वाला चावल, तो वो इस बार नहीं लेके आए क्योंकि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी है और फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा कम कम सामान इस बार लेके आए हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे खाते हैं, ये बॉइल्ड राइस जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, और कच्चा चावल वो होता है, कच्चा चावल भी यहाँ डब्बे में है, डब्बे में, यहाँ पे बड़े बड़े डब्बों में ना, जो ज़्यादा ज़्यादा 5 केजी जैसा चावल लेके आती हूँ। और चिप्स है, पापड़ है, ये सब मैं यहाँ पे भर के रखती हूँ। और इस तरह का एक डब्बा अपने घर पे जरूर रखती हूँ। और अभी बनाना जो पैकेट्स वाले होते हैं ना, पैकेट्स यूज करते हैं तो इतने डब्बे होते नहीं है, और किचन में तो सबसे बड़ी सच्चाई है हम महिलाओं के साथ कि किचन में चाहे जितने भी डब्बे हो जाए वो कम पड़ जाते हैं, इसलिए एक इस तरह का बड़ा डब्बा रखती हूँ। इसमें जो छोटे छोटे आइटम होते हैं जो खुल जाते हैं, जैसे बेसन है, बूंदी है, मैदा है, और सूजी है, या चावल का आटा है, ये सारी चीज़ें इसमें भर के रखती हूँ और इसी में से यूज करके फिर वापस रख देती हूँ, तो हवा नहीं लगता तो खराब नहीं होता है। चलो इन सबको यदि डब्बे में रखने लग जाएगा तो बहुत सारे डब्बे लगेंगे, तो बस चलिए ये मैं दिखा दी कि पूरे महीने भर का सामान नहीं है, ये मुश्किल से 2 से 3 सप्ताह जाएगा और फिर दुकान जाना पड़ता है हमें, क्योंकि एक सामान कोई ना कोई कम हो जाता है तो। और यहाँ पे हमारा सुविधा भी है कि हम जा सकते हैं नीचे से और तुरंत लेके आ सकते हैं, तो वो आता जाता रहता है, ऐसा कोई फिक्स आइटम नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि जितना सामान आ गया है उतने में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक यूज कर लूँ और हमें मतलब दुकान पे कम जाना पड़े, तो बस उसी हिसाब से सारा काम चलता है। और दाल इस बार कम आया है, बाकी मसाले भी ऑलरेडी जो जो डब्बे खाली, जैसे काली मिर्च का पैकेट आया तो इसको भरूंगी, जीरा खाली है, बाकी सारे मसाले हैं लास्ट मंथ में, ये जैसे अजवाइन है, कलौंजी है, मेथी है, सरसों है, ये सब कम यूज होता है, तो ये सब का 50 ग्राम भी पैकेट लेके आ जाना तो 3 महीने तक तो आराम से चल जाता है, तो इसको हर महीने लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये जो सामान है जो बेसिक है हर महीने आती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चलिए फटाफट सारे चीजों को जगह पे रखते हैं
और आगे का काम करते हैं। तो मेरे इस वीडियो से जो भी आपको देखना होगा चाहे जानना होगा, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे मैनेज करना चाहिए पूरे महीने भर का और क्या क्या जरूरी चीजें। सबसे ज्यादा फोकस हमें बेसिक चीजों पे करना चाहिए और लेके आना चाहिए, और उसको कोशिश करना चाहिए कि आप 2 सप्ताह के लिए सामान लेके आए हो तो उसको 17 से 18 दिन तक, कम से कम 2 से 4 दिन भी ज्यादा से ज्यादा चला। इससे क्या होता है, हमारा जो फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल है वो थोड़ा सा सही हो जाता है कि चलो सेटिस्फेक्शन मुझे स्पेशली होता है कि ये चीज जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा चला और थोड़े उससे पैसे बचा पाए। तो ये थिंकिंग के साथ मैं सारा सामान लेके आती हूँ और उसी तरह से अपन किचन में काम करते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ कुछ क्वेरीज है चाहे कुछ क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। मेरे किचन टूर को लेके एक आया था कमेंट आ रहा है कि आप अपना किचन टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। तो अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, अब क्या ही दिखाऊं किचन के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी कुछ है यहाँ पे है, अंदर के ड्रॉयर्स बहुत ज्यादा गंदे, मतलब कि खराब हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ सीलन बहुत ज्यादा है, तो सीलन के कारण अंदर के ड्रॉयर्स 2-3 तो बिल्कुल ही रखने लायक नहीं है, खाली पड़ा है, सामान नहीं रखी हूँ। थोड़े बहुत में इसमें जो है, इसमें किराने के सामान में रख देती हूँ, तो अभी इसको अरेंज करूंगी, ये सारे सामान को यहाँ पे रखूंगी। पहले से भी बहुत सारा सामान रखा है, और यहाँ पे बड़े डब्बे रहते हैं, यहाँ पे मेरे सारे बर्तन रहते हैं कुकिंग वाले, तो इस तरह से है। बाकी दिखाने लायक बहुत ज्यादा नहीं है, ये वाला पूरी तरह से खराब है तो इसको मैं यूज ही नहीं करती हूँ, खोलती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे जो है इस पे ये डब्बे हैं, और तवा पैन ये सब जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां है ना वो रखती हूँ। यहाँ पे आटा का डब्बा रहता है, और देखिये सीलन सब जगह है, खराब सब जगह हो रहा है, इसलिए हमारे, और ऊपर में तो आप देख ही रहे हो जो डब्बे हैं जो जगह है। बस इतनी छोटी सी हमारी किचन है, तो इसकी किचन टूर, अब मैं नई जगह पे जाऊंगी, नया किचन नया घर होगा, तो वहां पे बहुत अच्छे से आपको घर टूर भी दूंगी और किचन का भी टूर दूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना जरूर, और भी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो पूछना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।